आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी पूड़ी बनी है। ये मटर की पूड़ी है और आलू की सब्जी है, ये आलू की लिपटमा सब्जी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और सब्जी को आप चाहे तो सादा पूड़ी के साथ या पराठों के साथ या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज बना रहे हैं मटर की पूड़ी। जाड़ों में जो मटर आती है उसका स्वाद ही अलग होता है, एकदम फ्रेश मटर आती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, मीठी मीठी सी मटर होती है। जाड़ों में ये मटर की पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहे तो गर्मियों में बना सकते हैं, क्योंकि आजकल मटर को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उससे भी हम इस पूड़ी को बना सकते हैं। मटर की पूड़ी बनाने के लिए 1.5 कप मटर ली है, फ्रेश मटर है, ताजा मटर है। मटर को मिक्सी के जार में डाल देंगे और बहुत ही आसान है मटर की पूड़ी बनाना। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। मिर्च को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो कम डालें या ना डालें, और अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा भी मिर्च डाल सकते हैं। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। जैसे चटनी पीसते हैं सेम उसी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है, दानेदार नहीं बनाना है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी डालने से क्या है कि आटा ज्यादा गीला हो जाएगा। ये देखिए एकदम महीन पेस्ट बन गया है मटर का, थोड़ा पानी डाल करके इसको एकदम चटनी की तरह पीस लिया था। 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी और करीब 2 टेबल स्पून ही बेसन, साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से पूड़ी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, वैसे भी अजवाइन की पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी डालेंगे। अगर आप फ्रेश मेथी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें, इस समय फ्रेश मेथी भी बहुत ही अच्छी आ रही है। 2 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे मटर का पेस्ट। मिक्सी के जार में जो मटर का पेस्ट चिपका रह गया उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके रख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यही वाला पानी यूज करेंगे, मिक्सी के जार वाला। साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया एकदम महीन कटा हुआ। अब सभी चीजों को मिक्स करके मार लेंगे, गूंथ लेंगे। और एकदम सख्त गूंथेंगे जिससे पूड़ियां बहुत अच्छी बने। अगर थोड़ा भी पतला रह जाएगा आटा तो पूड़ियां अच्छी नहीं बनेंगी। एकदम कड़क मारना है आटे को। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी की जरूरत है, जो मिक्सी में पानी है उसी पानी को डाल करके कड़क आटे को मार लेंगे। एकदम कड़क आटे को माड़ा है, आप देख सकते हैं। अब आटे को करीब 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे और तब तक आलू की सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल करीब 1.5 टेबल स्पून, आप घी भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पेस्ट बना करके रखा है। 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक लेकर के मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया था इस तरीके से। ऑयल गरम हो गया है, ऑयल में डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा। आप देख सकते हैं जीरा हल्का सा चटकने लगा है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून राई। राई चटकने लगी है, साथ ही इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग। आप देख सकते हैं जीरा और राई भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें मसाले डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर देंगे सभी चीजों को। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून ही इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, क्योंकि टमाटर डाला है तो उसका खट्टापन है। सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, मिक्स कर देंगे और गैस को मीडियम टू स्लो हीट पर कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आलू, ये 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं। आलूओं को इस तरीके से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसों में और आलूओं को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। सभी मसाले इस तरीके से आलू के ऊपर चिपक जाने चाहिए। करीब 1 मिनट तक आलूओं को इसी तरीके से भूनेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही सूखे आलू की सब्जी को सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं लिपटमा सब्जी बना रही हूँ तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे
एक हाफ कप के करीब। अब इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। हाफ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी डाल देंगे। अब सब्जी को मीडियम टू स्लो हीट पर 2 से 3 मिनट तक खदकने देंगे और ढक कर के खदकाएंगे, जिससे कि जो फ्लेवर है वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और बीच में 1-2 बार चला देंगे, गैस को स्लो कर दिया है। देखिए 1 मिनट के बाद ये सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। अभी 1 बार चला देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। फिर से इसको 1-2 मिनट के लिए रख देंगे ढक करके, जिससे कि ये सब्जी अच्छी तरीके से पक जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना सब्जी के ऊपर। इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। सब्जी एकदम तैयार हो गई है। इतनी यमी सब्जी बनकर के तैयार हुई है। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। अब बनाएंगे पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख दें। आटे को ढक कर के रखे हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं आटा कड़क है, सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ा कड़क ही होना चाहिए। अब इस पर थोड़ा सा घी लगा करके अच्छी तरीके से मल लेंगे पहले। आप देख सकते हैं आटे को अच्छी तरीके से मल लिया है। जितनी बड़ी बड़ी आपको पूड़ी बनानी है उतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लें। तोड़ने के बाद इस तरीके से लोई बना करके रख लेंगे। आटे को ढक करके रखें, जिससे कि वो सूखे ना। और अब पूड़ियों को बेलेंगे। थोड़ा सा घी या ऑयल लगा करके पूड़ी को बेलेंगे इस तरीके से। ना ही ज्यादा मोटी बेलनी है ना ही ज्यादा पतली बेलनी है। ये देखिए पूड़ी ना ही तो ज्यादा मोटी है ना ही बहुत ज्यादा पतली है। इसी तरीके से पूड़ियों को बेल लेंगे। अभी ऑयल थोड़ा गर्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं 1-2 पूड़ी और बेल रही हूँ। ऑयल में पूड़ी डालने से पहले थोड़ा सा आटा डाल करके देख लें कि ऑयल पूरी तरीके से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ऑयल कम गर्म हुआ होगा तो जब हम पूड़ी को डालेंगे तो वो फूलेगी नहीं और ढंग से सिकेगी भी नहीं। तो पहले आटा डाल करके देख लें। अगर आटा तुरंत ऊपर उठ करके आ रहा है यानी कि ऑयल गर्म हो गया है। आप देख सकते हैं आटा डाला है, आटा एकदम ऊपर आ गया है यानी कि ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूड़ी सेक सकते हैं। गर्म ऑयल में डालेंगे पूड़ी। इस तरीके से कलछी से हल्का हल्का सब प्रेस करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। देखिए पूड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएगी। ये देखिए एकदम फूल गई है ना गुब्बारे की तरह। ऐसी ही पूड़ी बन करके तैयार होगी। जब एक तरफ से सिक जाएगी हल्की गोल्डन ब्राउन तब इसको पलट देंगे। देखिए पलट दिया है पूड़ी को। दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक पूड़ी को सेक लेंगे। ये देखिए दूसरी पूड़ी भी डाल रही हूँ साथ में ही। पहले जो पूड़ी डाली थी वो सिक चुकी है, उसको प्लेट में निकाल लेंगे। और दूसरी पूड़ी को भी आप देख सकते हैं गुब्बारे की तरह फूल गई है। एकदम एकदम फूली फूली पूड़ी बनी है। और इसी तरीके से सभी पूड़ियों को सेक लेंगे। बहुत ही यमी एंड टेस्टी पूड़ियां बनी है। आप एक बार जरूर बना करके देखें। पूड़ियां भी तैयार है, आलू की सब्जी भी तैयार है। पूड़ी और सब्जी को सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।